तीन बातें। सबसे पहले तो एक बार सब जय बोलेंगे, बोलिए सब गोवंदगढ़ महाराज की, बोलिए सब गोवंदगढ़ महाराज के भक्त की। आज गोवंदगढ़ महाराज की पावन धरती पर उपस्थित राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चारों राज्यों के यहाँ पर जो भाई, दादा, बुजुर्ग, माता, बहने सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। आज अपन बीरभद्र देश को लेके चल रहे हैं, तो आज तो मेरे को इस पहाड़ में चढ़ते हुए सारे लोग को देखते हुए आज अपना बीरभद्र देश को टाइम जरूर लगेगा, पर अपना बीरभद्र देश नहीं बन गया है, यही मेरे को आज नजारा देखने में आया है। और आज मैं मंच के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आदिवासी समाज के खिलाफ अनर्थ अगर कोई लिखेगा तो उसको मंच के माध्यम से तो क्या इस समाज के माध्यम से इसको रिमूव कर दो, ताकि अपने समाज में यहाँ आपत्ति सामने खड़ी नहीं है। और यहाँ जो आंदोलन यहाँ पर हुआ था उसमें 1913 में अपने आदिवासी समाज के 1500 लोग जो मारे गए थे, उन्होंने जो खून बहाया था वो अपने लिए बहाया था, तो आज अपन पसीना बहा रहे तो उसमें कौन सी मौत आ रही है आपको, ये आपसे मैं कहना चाहती हूँ मंच के माध्यम से। और उन्होंने 10 दिन पहले वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद्र भील और आप देख रहे हैं आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म। अभी हम भील प्रदेश की राजधानी मानगढ़ धाम है, आदिवासी धाम, और यहां पे बड़ी संख्या में आप देख सकते हो 50 किलोमीटर मतलब चारों दिशा में, मानगढ़ के चारों दिशा में 50 किलोमीटर रोड पर जो कारों की देख सकते हो बड़ी बड़ी दो लाइनें लगी हुई हैं और ट्रैफिक पूरा जाम है, और इतनी संख्या में पूरा भील प्रदेश यहाँ मानगढ़ आ गया है, जो मानगढ़ भील प्रदेश की राजधानी है। भील प्रदेश की मांग को लेकर युवा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित पूरा राजस्थान के जहाँ भील समुदाय की संख्या ज़्यादा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र चारों ही प्रांतों से एक नए भील प्रदेश की मांग को लेकर यहाँ लोग आए हैं बड़ी संख्या में। और देख सकते हो आप भीड़ में, मैं कैमरे से आपको जहाँ तक दिखा पा रहा हूँ, मेरी आँखों से देखो तो काफ़ी लंबा लाइन है, और अभी हम करीब 15 किलोमीटर चलकर ऊपर से यहाँ तक नीचे आए हैं।
और इससे भी आगे में हमारी गाड़ी खड़ी है और यहीं से हम चल के गए थे और तपती धूप में इतनी भयंकर गर्मी और ऊपर से मूसलाधार बारिश के साथ काफ़ी परेशानी भरा रूट और इस पहाड़ ये जो आप देख रहे हैं मानगढ़ पहाड़ी, इस पहाड़ी पर हमारे आदिवासी भाइयों ने ऐसे रूट बना दिए, ऐसे रास्ते बना दिए कि एक नया रूट रास्ता बनाकर ऊपर गए थे। लेकिन देखने की बात यह थी कि किसी के भी चेहरे पर हल्की सी भी उदासी नहीं थी, सबको मतलब एक उत्साह था और आज का जो कार्यक्रम सफल हुआ और आप सभी लोग जो चारों प्रदेश से ज़्यादा संख्या में युवा और बाकी सारे लोग बड़े और हमारे पूर्वज जितने भी हमारे दादा तुल्य पिता तुल्य सभी पधारे, उन सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद राणा पुंजा आदिवासी युवा जागृति संस्थान मेवाड़ हल्दीघाटी की ओर से। और मित्रों हमारे YouTube चैनल प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म YouTube चैनल को आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। जोहार, जय बिल प्रदेश।